गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम त्रिकोणमिति फलन में कुछ नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चे इस अभी जो फार्मूला ये लिखे हुए हैं इनको नोट कर लें, इन्हीं पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके जो फार्मूलाज हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम इसके यूजेस एप्लीकेशन क्या है वो हम देखते हैं। तो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन है कि टेन 105 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसके पहले हमने स्ट्रक्चर कौन सा यूज किया, ये वाला टेन अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने टेन 105 को दो फ्रैक्शन किया, 60 + 45 = 105 होता है। अब हम टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए टेन बी 1 - tan a - b, ठीक है। तो यहां पर हम टेन 60, ए के स्थान पर 60, बी की जगह 45 रखा, और टेन 60 कितना होता है, √3, टेन 45 1, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यह इसका मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमको साइन 15 और कॉस 75 फाइंड करना हो, तो साइन 50 कितना होगा, साइन 45 माइनस 30, यह 15 के इक्वल होता, और कॉस 75 कितना होगा, कॉस 30 प्लस 45। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका कॉस 75 के रूप में है। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला हमने अभी बताया है, उस फार्मूला का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉस 75 के लिए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हमने जो आपको बताया था उसको यूज करके हम इसको आगे हल करके देखेंगे। जब सभी बच्चे हमको हल करके दिखाएंगे, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कॉस 5π/12 इसको सॉल्व करना है। तो कॉस इसको सॉल्व करें तो कॉस 5/4 + π/6, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, a = π/4 b = π/6 रख दिया। cos π बाई फोर को मान कितना होता है, √2/2, और cos π बाई सिक्स कितना होता है, √3/2, और sin π बाई फोर का मान √2/2, और sin π अपॉन सिक्स का 1/2, ये सब रख के इसको सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है cos 105 का मान निकालना, cos 105 कितना होगा, cos 60 + 45, cos a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, और उसमें cos 60 cos 45 साइन 60 साइन 45 के मान रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।